स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों मैं प्रवीण, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 के लिए संपूर्ण इतिहास का निचोड़ करने जा रहे हैं। साथियों आपको बता दूं, इसमें टॉप 200 क्वेश्चन है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये क्लास आपको आप देख लेंगे तो इसमें जो हिस्ट्री के अंदर, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अंदर जो हिस्ट्री 10 नंबर की आने वाली है, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये क्लास देख लेते हैं, चाहे आपने पहले कोई क्लास देखी हो या नहीं देखी हो हिस्ट्री की कोई भी क्लास। तो साथियों इस क्लास को पूरा देखना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हाई मोटिवेटेड, की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। साथियों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या नन ऑफ दी? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो निर्माण कराया था, ये बुलंद दरवाजा का कराया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? तो दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म जो शुरू किया गया था, वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी जो प्रणाली को प्रारंभ किया था, तो ये अकबर ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या हल्दीघाटी का युद्ध? तो किस युद्ध से भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की जो नींव पड़ी थी भारत में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरम पर थी? तो मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरम पर थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो मुगल चित्रकारी जो शासनकाल में चरम पर थी, वो जहांगीर के शासनकाल में चरम पर थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खान या बीरबल? तो अकबर की जो जीवन कथा लिखी है, वो अबुल फजल ने लिखी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा? तो अकबर द्वारा बनवाए गए जो पूजा गृह का जो नाम था, वो इबादत खाना था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? यानी कि किसने किया था जो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां? तो आपको बता दूं, जो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से जो दिल्ली ले गया था, वो शाहजहां ले गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम या लाहौर? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, वो सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? अकबर, शेरशाह, बाबर या औरंगजेब? तो किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, यानी कि अकबर, शेरशाह, बाबर या औरंगजेब? तो आपको बता दूं, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की रचना की थी, वो शेरशाह के शासनकाल के समय की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां? तो दिल्ली के जो लाल किले का जो निर्माण था, वो किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी? तो गुरिल्ला जो युद्ध का जो पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी? तो आपको बता दूं, जो गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था, ये शिवाजी था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को? तो शिवाजी के जो प्रशासन काल में पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था, ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, उसमें से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो आपको
बता दूं शिवाजी को जो तोपे प्रदान की थी तो ये अंग्रेजों ने की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो जो मराठा प्रमुख संभाजी की जो हत्या कर दी गई थी वो किसके शासनकाल में कर दी गई थी? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में जो संभाजी की हत्या कर दी गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या पुरंदर। तो शिवाजी के जो साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? पुणे, रायगढ़ या कारवाड़ या पुरंदर। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी वो रायगढ़ में थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई, यानी कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी वो किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूर। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी, तो पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? यानी कि शिवाजी जब मुगलों की कैद से भागे थे उस समय कहां पर कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो शिवाजी जब मुगलों की कैद से भागे थे तो उस समय वो आगरा में कैद थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद है वो किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी या कृष्णराय देव। तो ये अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादरी सिंधिया, जी वाजीराव सिंधिया। तो ग्वालियर जो राज्य की स्थापना की थी वो जी वाजीराव सिंधिया ने की थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने या महाराजा जयसिंह ने। तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की जो उपाधि प्रदान की थी वो औरंगजेब ने की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? यानी कि साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी वो जयसिंह, अफजल खां, औरंगजेब या नन ऑफ दी। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी वो औरंगजेब ने दी थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? यानी कि मराठा साम्राज्य की सबसे जो बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, येसुबाई, सईबाई या इनमें से कौन थी? तो आपको बता दूं, जो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी वो ताराबाई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किसी लड़ाकू पेशवा, यानी कि किसी लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी, विश्वनाथ, यानी कि बालाजी, बाजीराव या नन ऑफ दी। तो किसे मतलब लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय जो मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो यानी कि जब औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी तो उस समय जो मराठा नेतृत्व था वो ताराबाई के नेतृत्व में था, यानी कि ताराबाई नेतृत्व में था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया? वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या वास्को डी गामा या रॉबर्टो डी नोबिली। तो वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो जो गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? यानी कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। यानी कि तो किसने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया व्यापार से? तो ये किसने किया था? तो ये पुर्तगाली ने किया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलौर, कोचीन। तो आपको बता दूं, जो वास्को डी गामा भारत आया था, ये 1498 में आया था, तो सबसे पहले ये कहां उतरा था? तो ये कालीकट में उतरा था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल, पोलैंड, अमेरिका या फ्रांस? तो जो वास्को डिगामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर मिला था, वह कौन सा अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के आकर दरबार में मिला था? सर टॉमस रो, रॉयल्टा बीता, सर जॉन, सर जान सोन। तो आपको बता दूंगा कौन सा अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर मिला था, तो सर टॉमस रो था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने जो बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, ननोबदी। तो अल्बुकर्क ने जो बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था, तो यूसुफ आदिल शाह से छीना था गोवा को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया, यानी कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित किया? कोचीन, कालीकट, पुलिकट या ननोबदी। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो कोचीन में किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किसे, यानी कि किसी जहांगीर, यानी किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंग, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या ननोबदी। तो मतलब किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया, तो ये हॉकिंग्स को किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, यानी कि भारत में जो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1612 ईस्वी में लगाई, तो वो कहां पर लगाई थी? गोवा, बंगाल, सूरत या ननोबदी। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है, अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को, ननोबदी। तो भारत में जो तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में तंबाकू का जो प्रचलन श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ, राल्फ विच, रॉबर्ट क्लाइव या टॉमस रो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर कौन था, ये थॉमस स्मिथ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स किस जहाज से भारत पहुंचा, हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर, ननोबदी। तो कैप्टन विलियम हॉकिंग्स था वो किस जहाज से भारत पहुंचा था, तो ये हेक्टर से पहुंचा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की, सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम या ननोबदी। तो जो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। तो आपको बता दूं, उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ये मसूलीपट्टनम में की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, यानी कि सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था, राल्फ फिच, जॉन मिल्डेन, विलियम हॉकिंग्स या ननोबदी। तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला जो पहला अंग्रेजी व्यापारी था वो राल्फ फिच था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, यानी कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या ननोबदी। तो आपको बता दूं, औरंगजेब के आदेश के अनुसार पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 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 यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि भारत का उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो उस समय कौन था, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? तो आपको बता दूं, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय जो भारत का बादशाह था वो अकबर था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा, गोवा, सिक्किम, पांडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार, तो वह कौन सा भाग था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तो ये गोवा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गोवा था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था वो किसके, यानी किस किस के बीच हुआ था, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया, तो ये मतलब यानी कि बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था वो ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप, जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो राणा प्रताप से संबंधित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सितार, तबला, सरोद या बीड़ा, तो इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, यानी कि सितार है, तबला है, सरोद है, बीड़ा, तो आपको बता दूं सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो बीड़ा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या गया में, तो सूर्य मंदिर जो स्थित है वो कोणार्क में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोणार्क में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, जो 1757 में हुई थी, तो इसमें क्या है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुंडो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स या नन ऑफ दी, तो प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन, तो भारत का पहला जो प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे ऑंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, तीसरे ऑंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी जो संधि की थी, मंगलौर की संधि या श्रीरंगपट्टनम की संधि या मैसूर की संधि या नन ऑफ दी, तो तीसरे ऑंगल मैसूर को युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आज का हमारा 50 क्वेश्चन, यानी कि हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिक, डलहौजी, तो हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी या डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो साथियों आज हमने यानी कि 50% कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी, यानी कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु थी वो 1799 में हुई थी, यानी कि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 में हुई थी, पूछ लिया जाता है ये कहां पर हुई थी, मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या पांडीवास में, तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु 1799 में हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेंटिक या नन ऑफ दी, तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड डलहौजी था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 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 लॉर्ड डलहौजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है, यानी किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जो जीवनी लिखी है, यानी कि किसने लिखी है, यानी कि जो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है, यानी कि गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने, तो जो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जो जीवनी लिखी है वो यानी कि गुरु अर्जुन देव ने लिखी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव ने लिखी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की, जो सिखों की सैन्य संप्रदाय है वो खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, हर राम, हरिकिशन, गोविंद सिंह या तेग बहादुर, तो खालसा पंथ की जो स्थापना की है वो गोविंद सिंह ने की है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1757 में सराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव, कॉर्नवालिस, जो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी वो सराजुद्दौला को जो रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है, यानी कि किस सिख गुरु ने जो फारसी में जफरनामा लिखा है, गुर हरि राय, गुर हरि किशन, गुर गोविंद सिंह या गुर तेग बहादुर। तो ये किसने लिखा है, जो यानी कि किस सिख गुरु ने फारसी में जो जफरनामा लिखा है, तो ये गुर गोविंद सिंह ने लिखा है, गुर गोविंद सिंह ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गुर गोविंद सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्लाइव को बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया, यानी कि क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था, 1756, 1757, 1758, 1759। तो क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ये 1757 में बनाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का जो प्रथम जो गवर्नर जनरल था, तो विलियम बेंटिक था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया, लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन। तो द्वैध शासन जो नीति को जो समाप्त किया था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, द्वैध शासन नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक जो विरोध किया था, ये मराठों ने किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है वो किससे पड़ी, 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के मिनट से, 1882 के अंटर आयोग से या नन ऑफ दी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी, वो 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कैनिंग। तो सती प्रथा को, यानी कि सती प्रथा को अंत करना और ठगी को समाप्त करना, तो इसका श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध था, उस समय मुगल सम्राट कौन था, अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। तो उस समय कौन था, तो यानी कि तो मुगल सम्राट आपको बता दूं, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिगोली की संधि, जो शिगोली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। तो जो शिगोली की संधि जो 1816 में हुई थी, यानी कि जो शिगोली की संधि 1816 में हुई थी, किसके बीच संपन्न हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी शिगोली की संधि 1816 में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, यानी कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, अलीवर्दी खान, सराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। तो आपको बता दूं, जो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो ये मीर कासिम ने की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, यानी कि किसकी समाधि के कारण, यानी कि किसकी समाधि के कारण जो नंदेर जो जो गुरुद्वारा है, जो सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। तो आपको बता दूं, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पवित्र माना जाता है। तो ऑप्शन, यानी कि इनकी जो समाधि है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण जो नंदेर जो गुरुद्वारा है, वो सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का जो युद्ध था, वो 1764 में हुआ, तो किस समय दिल्ली का शासक कौन था, बक्सर के युद्ध किस समय दिल्ली का शासक कौन था, जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बक्सर का युद्ध था वो कब हुआ था, 1764 में हुआ था, तो ये पूछा गया है। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, औरंगजेब, शाह आलम फर्स्ट या बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। तो आपको बता दूं, जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, तो उस समय दिल्ली का शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, वो अंग्रेजों के साथ कब मारे गए थे, 1857, 1799, 1793, 1779।
तो आपको बता दूं, टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे, तो ये 1799 में मारे गए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना जो यानी कि ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि अलीवर्दी खान, मीर जाफर, सराजुद्दौला, मीर कासिम। तो आपको बता दूं, किसके शासनकाल में ब्लैक होल जो दुर्घटना घटित हुई थी, तो ये सराजुद्दौला के समय में घटित हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के जो अंतिम गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या नन ऑफ दी। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट। तो आपको बता दूं, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेलेजली या लॉर्ड मिंटो। यानी कि तो ये किसके समय में जो प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये यानी कि तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में की गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, यानी कि पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी या पेशावर। तो पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह थे, इनकी राजधानी लाहौर थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था, यानी कि गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिक। तो आपको बता दूं, जो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो प्रथम गवर्नर जनरल था, ये लॉर्ड डलहौजी था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 में हुआ था, वो कौन विजयी हुआ, अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। तो आपको बता दूं, जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में जो विजयी हुआ था वो हैदर अली हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम, मीर यानी कि मीर जफर या सराजुद्दौला या नन ऑफ दी। तो प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, उस समय बंगाल का जो नवाब था वो सराजुद्दौला था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी, विलियम डडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी या नन ऑफ दी। तो भारत में जो प्रथम रेल लाइन है जो बिछवाई थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र जो मिल है वो किस शहर में स्थापित किया गया, सूरत, बंबई, अहमदाबाद या नन ऑफ दी। तो भारत में सबसे पहला जो सूती वस्त्र जो मिल है वो किस शहर में स्थापित किया गया था, तो ये बंबई में किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का जो स्थायी बंदोबस्त है वो शुरू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, बेलेजली या कॉर्नवालिस। तो आपको बता दूं, जो परमानेंट सेटलमेंट जो शुरू किया गया था ये कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, 1753, 1793, 1762 या 1803। तो ब्रिटिश सरकार ने यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त यानी कि जो कब लागू किया गया था, तो ये 1793 में किया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1793 में किया था लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, यानी अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए यानी कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, बिहार,
गुजरात, असम या ननौती। तो अफीम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध था तो ये बिहार था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक है, यानी कि जो नील दर्पण के जो लेखक कौन है, बंकिम चंद चटर्जी या दीन बंधु मित्र शरत चंद चटर्जी या रविंद्रनाथ। तो जो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक नील दर्पण के जो लेखक हैं वो दीन बंधु मित्र हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो भारत में अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर टॉमस रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या ननौती। तो सर टॉमस रो किससे संबंधित है, तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ, हावड़ा और सीरम, मुंबई और थाड़े, मद्रास और गुंटूर या ननौती। तो भारत में आपको बता दूं जो प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण 1853 में हुआ था तो किन नगरों के बीच में हुआ था, मुंबई और थाड़े के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो वह कौन सा है जो प्रथम बैंक था, तो अवध कमर्शियल बैंक था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था वो कब लागू किया गया था, यानी कि लागू किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंस में, मद्रास प्रेसिडेंस में, मुंबई प्रेसिडेंस में, मद्रास प्रेसिडेंस या मुंबई प्रेसिडेंस दोनों में। तो अंग्रेजों द्वारा जो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंस में दोनों में लागू किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो महा अधिकार पत्र कहा जाता है, बुड़के घोषणा पत्र डिस्पैच 1854 को, हंटर आयोग 1882 की प्रतिवेदन को, सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को या ननौती। तो ये किसे कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो महा अधिकार पत्र कहा जाता है, तो बुड़के घोषणा पत्र जो डिस्पैच 1854 को कहा जाता है जो मैग्ना कार्टा शिक्षा का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल या ननौती। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी, तो किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत और जननी की संज्ञा किसने दी थी, लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स, दादाभाई नौरोजी या महात्मा गांधी। तो ये कार्ल मार्क्स ने जो संज्ञा दी थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन, आपको बता दूं जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो जो कराची के जो कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 में हुआ था, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का प्रारंभ हुआ, रेलवे विभाग के लिए जो रेलवे बजट का आरंभ हुआ था, यानी कि 1925 या 1929, 1858 या 1935। तो रेलवे विभाग के लिए जो रेल बजट जो आरंभ हुआ था, ये 1925 से आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली, जो ब्रिटिश के नागरिक थे वो सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीद सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं, 1813, 1833 या 1853 या 1858। तो आपको बता दूं जो ब्रिटिश नागरिक थे भारत में भूमि खरीदने और बसने की जो अनुमति मिली थी, ये 1833 में मिली थी, यानी कि तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक कौन है, मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आरजी भंडारकर, यानी कि भंडारकर। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आपको बता दूं जो रमेश चंद्र दत्त के जो लेखक हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है,
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो लेखक कौन है, आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी या दादाभाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं वो दादाभाई नौरोजी हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की, ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो ये किसने की थी, तो आपको बता दूं जो किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजरी, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजी या नन ऑफ दी। तो युवा बंगाल जो आंदोलन के नेता थे वो विवियन डेरोजी थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथियों आज का हमारा जो 100 क्वेश्चन है यानी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, नन ऑफ दी। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो ये सैयद अहमद खान ने किया। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। तो साथियों हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन और करने। अगर ये क्लास पूरी देख ले तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारी आपने पिछली क्लास नहीं देखी, लगभग 49 प्रैक्टिस सर करा चुके हैं और एसटी की 2 मैराथन कर चुके हैं, पॉलिटी की, स्टैटिक की, वो भी क्लास आप जरूर देख ली, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, यानी कि धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। तो आपको बता दूं स्वामी विवेकानंद जो यानी कि जो धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, तो इन्होंने शिकागो में दिया था, ये धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजी और लाला लाजपत राय। तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजी और महादेव गोविंद रानाडे। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजी या महादेव गोविंद रानाडे को। तो महाराष्ट्र का सुकरात है, ये महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया, जो भारत में दास प्रथा होती थी इसे कब अवैध घोषित कर दिया गया था, 1843 यानी कि 1853, 1863 या नन ऑफ दी। तो भारत में दास प्रथा जो अवैध घोषित कर दी थी वो 1843 में कर दी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद, देवेंद्र नाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस या नन ऑफ दी। तो मिशन की जो स्थापना की थी यानी कि स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, कालिदास, दयानंद सरस्वती। तो सत्याग्रह प्रकाश जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो दयानंद सरस्वती हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती हैं, सत्याग्रह प्रकाश जो पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। यानी कि किस धर्म सुधारक की जो मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो ये राजा राममोहन राय की जो मृत्यु बाहर हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिक। तो आपको बता दूं भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, यानी कि राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर या ज्योतिबा फूले। तो आपको बता दूं 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मी समाज की स्थापना की, जो आत्मी समाज की जो स्थापना कोलकाता में हुई थी 1815 में
हुई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, राधाकांत देव, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बता दूं 1815 में जो कोलकाता में आत्मी सभा की स्थापना हुई थी, तो इसकी जो स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816, 1820, 1828 या 1830। तो आपको बता दूं राजा राममोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो ये 1828 में की गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग या नन ऑफ दी। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां स्थित है? बेलूर, बेल्लारी, बेल्लोर या नन ऑफ दी। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय स्थित है वो बेलूर में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? यानी कि 1914, 1915, 1916, 1917। तो एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी ये 1917 में बनी थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? मैथिलीशरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद, हेनरी विवियन डेरोजियो या नन ऑफ दी। तो आधुनिक भारत का जो प्रथम जो राष्ट्रवादी कवि माना जाता है ये हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। तो यानी कि तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था कहां आयोजन हुआ, यानी कि कब आयोजन हुआ इसका? सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1893 में या नन ऑफ दी। तो आपको बता दूं शिकागो जो विश्व धर्म पार्लियामेंट में जिसने विवेकानंद ने भाग लिया था, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो सितंबर 1893 में हुआ था, 1893 में ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये कब हुआ था जो सम्मेलन, तो ये 1893 में हुआ था, सितंबर 1893 में शिकागो में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुनर जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या नन ऑफ दी। तो भारतीय पुनर जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये राजा राममोहन राय थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? पूछ लिया जाता है जो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ दी। तो इसका जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, नन ऑफ दी। तो किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री जो अधिनियम पारित किया गया था ये लॉर्ड रिपन के लॉर्ड रिपन की शासनकाल में पहली फैक्ट्री जो अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 कहाँ चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 ये कहाँ चलाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो वायकोम जो सत्याग्रह था 1924 से 1925 ये केरल में चलाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील सेवा मंडल 1922 में इसकी स्थापना हुई। पूछ लिया जाता है कि भील सेवा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विट्ठलदास, महात्मा गांधी, सीएफ एंड्रयूज, विनोबा भावे। तो भील सेवा मंडल जो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना अमृतलाल विट्ठलदास ने की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो आधुनिक युग का जो मनु कहा जाता है तो बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, यानी पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? यानी कि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और ये बी आर अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो सितंबर 1932 में हुआ था, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936, 1937, 1938 या 1939। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा का जो गठन हुआ था वो 1936 में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 में इसकी स्थापना की थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 में इसकी स्थापना की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन एम जोशी, जेबी कृपलानी या महात्मा गांधी। तो इसकी स्थापना किसने की थी 1918 में, तो ये महात्मा गांधी ने की थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, पटना। तो इसे सर्वप्रथम आपको बता दूं, अखिल भारतीय किसान सभा का जो आयोजन हुआ था तो ये लखनऊ में हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1817 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, मेरठ, झांसी, दिल्ली या नन ऑफ दी। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था, यानी कि बेगम हजरत महल ने, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लखनऊ शहर से इन्होंने मतलब इसका नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लखनऊ शहर से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। तो उस समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था तो ये लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, बहुत सारी यानी कि जीएस की इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूं, पीडीएफ वगैरह, क्विज वगैरह, तो वहां पर आप जरूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे अपना पहला बलिदान दिया था, किसने दिया था 1857 के विद्रोह में, निम्न से किस नेता ने सबसे पहले अपना जो बलिदान दिया था, ये थोड़ा यानी कि करेक्ट है, यानी कि सही कर लेना, यानी कि ये बलिदान होगा, यानी कि बलिदान, तो बलिदान किसने दिया था, यानी कि कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो आपको बता दूं तो ये मंगल पांडे ने दिया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, डिजायरली, लॉर्ड लॉयड जॉर्ज या लॉर्ड पामस्टन। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उस समय यानी कि उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामस्टन था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में जो भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो 1885-1905 की अवधि कहा गया, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 1885 से लेकर 1905 की अवधि क्या कहा गया, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या नन ऑफ दी। तो 1885 से 1905 की जो अवधि को कहा गया है वो उदारवादी चरण कहा गया, उदारवादी चरण कहा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो किस शहर में हुई थी, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद या नन ऑफ दी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी ये मुंबई में हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय। तो आपको बता दूं जो भारत का जो महान वृद्ध जो व्यक्ति कहा जाता है दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है, दादाभाई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो किसके समय में बनी थी, तो लॉर्ड डफरिन के समय में बनी थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ब्योमेश चंद बनर्जी, माइकल ह्यूम, ए ओ ह्यूम या नन ऑफ दी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे वो ए ओ ह्यूम थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, जॉर्ज यूल या विलियम बैडनबर्न या ए ओ ह्यूम या नन ऑफ दी? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, जो भारतीय जो सिविल सेवा आई उसमें चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास? तो ICS में चुने गए जो पहले भारतीय थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? SN बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी या नन ऑफ दी? वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव निर्वाचित हुआ था? तो यह दादाभाई नौरोजी हुए थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन इन द मेकिंग जो नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस? अ नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है। अ नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1865, 1867 तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी 1885 में की गई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो मुस्लिम जो अध्यक्ष था प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी या बदरुद्दीन तैबजी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था ये बदरुद्दीन तैबजी थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दूं, जो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या नन ऑफ दी? तो 1905 के जो बनारस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय यानी कि जो भारतीय जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ए ओ ह्यूम, यानी कि ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादाभाई नौरोजी या नन ऑफ दी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता दूं, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था? यानी कि वह कौन सा था जो एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सेवा सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, आरसी दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या नन ऑफ दी? तो आपको बता दूं, जो इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की जो बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जब यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र हुआ था इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 72, 86, 93 या 101? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? 1902, 1903, 1904 या 1905? यानी कि ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी ये 1905 में की थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? यानी कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादाभाई नौरोजी या बाल गंगाधर? यानी कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो आपको बता दूं, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो साथियों, हमारे 150% कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अभी अगर आप जैसे कि पूरी क्लास देखते हो तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, अभी 50% और बचे हैं, तो उसे भी देख लीजिए। इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल हाई मोटिवेट, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, तो वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक? यानी तो ये किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे मैं लेकर रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, 1909, 1919, 1935 या 1942। तो माले मिंटो जो रिफॉर्म्स था ये 1909 में जो प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, यानी कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या नन ऑफ दी। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल या बिपिन चंद्र पाल या नन ऑफ दी। तो गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो हरदयाल थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया, इन भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया, श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता पाडेकर, सरोजिनी नायडू या मैडम भीकाजी कामा। तो ये किसे कहा गया था, भारतीय जो क्रांति की जननी, तो मैडम भीकाजी कामा को कहा गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई जो साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, यंग इंडिया, केसरी, अल हिलाल या नन ऑफ दी। तो बाल गंगाधर जो तिलक द्वारा शुरू की गई जो साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो केसरी थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या नन ऑफ दी। तो शेर ए पंजाब और पंजाब जो केसरी किसका उपनाम है, तो ये लाला लाजपत राय का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905 या नन ऑफ दी। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या सलीमुल्ला या नन ऑफ दी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना का श्रेय जाता है तो सलीमुल्लाह को जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीता रस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो गीता रस है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये गीता रस किसके द्वारा जो लिखा गया है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या आगा खान या हमीद खान। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आगा खान था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरत की 1907 के बाद जब सूरत की फुट 1907 में हुई थी, तो कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी, यानी कि गरम दल वालों के, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के, नन ऑफ दी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूरत की फूट कब हुई थी, तो ये 1907 में हुई थी, तो इसके बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी, तो ये नरम दल वालों के हाथों में आ गई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, यानी कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू। तो ये किसने कराया था, तो एनी बेसेंट ने कराया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीपुर जो बम जो कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, मोतीलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, सी आर दास या नन ऑफ दी। तो अलीपुर जो बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष का जो बचाव किया था वो सी आर दास ने किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी। यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दी गई थी, कौन से कारागार में, यानी कि तो आपको बता दूं तो ये गोरखपुर में दी गई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया, यानी कि अंग्रेज पुलिस अफसर जो कैप्टन सैंडर्स था वो किसके द्वारा गोली से मारा गया, बटकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो आपको बता दूं जो भगत सिंह के द्वारा कैप्टन सैंडर्स गोली से मारा गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, यानी कहां पर हुआ था, बंबई, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास। तो आपको बता दूं कांग्रेस का जो 1929 का जो अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद
अरविंद घोष, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। यानी कि तो आपको बता दूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, यानी कि दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, 1942, 1943, 1944 या 1945। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का जो नारा दिया था ये 1943 में दिया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। तो वर्ष 1919 में जो जलियांवाला जो हत्याकांड ये कहां पर हुआ था, तो आपको बता दूं तो ये अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1919 में जलियांवाला जो हत्याकांड था ये अमृतसर में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, 1940, 1941, 1946 या 1942। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया था ये 1942 में किया था, 1942 में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है, जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था, ये किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, खिलाफत आंदोलन या नन ऑफ दी। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, यानी कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, 1930, 1932, 1928 या 1931। तो नमक सत्याग्रह था ये किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था, 1930 में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, यानी कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजा गोपालाचारी या बी आर अम्बेडकर। तो आपको बता दूं सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1930, 1928, 1925 या 1919। तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था ये 1928 में आया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, मदनमोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड या नन ऑफ दी। तो गांधी जी ने जो काला कानून को यानी कि काला कानून किसे कहा था, तो ये रॉलेट एक्ट को कहा था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, 1919, 1920, 1922 या 1923। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने यानी कि ब्रिटिश सरकार से प्राप्त जो सर की उपाधि थी, सर की उपाधि यानी कि सर की उपाधि उपाधि किसने लौटा दी थी, तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या सैयद अहमद खान। तो आपको बता दूं जो पंजाब में वर्ष 1919 में जो क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि थी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी सर की जो उपाधि प्राप्त हुई थी ब्रिटिश सरकार से इन्होंने लौटा दी थी 1919 में जो पंजाब में जो क्रूर अत्याचार हुए थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, नन ऑफ दी। तो आपको बता दूं जो 1923 में जो अब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन 1923 में यानी कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो ये कहाँ पर की थी, तो ये इलाहाबाद में की थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि इलाहाबाद में की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड बेलेजली या नन ऑफ दी। तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, सरदार पटेल। जो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे वो जीवी कृपलानी थे, यानी कि जीवी कृपलानी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जब आज़ादी प्राप्त हुई थी तो आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जीवी कृपलानी थे, तो ऑप्शन बी सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय जो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम या नन ऑफ दी। तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय जो यानी हरिजन संघ के जो स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली या नन ऑफ दी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था यानी कि तो ये चर्चिल था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू। तो ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का जो अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन हुआ था ये हरपुरा में हुआ था। तो ऑप्शन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ दी। तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1917, 1916 या 1918। तो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन था ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने यानी कि भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। तो महात्मा गांधी ने अपना भारत का जो पहला जन भाषण दिया था तो ये वाराणसी में दिया था, वाराणसी में यानी कि तो ये वाराणसी में दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था? यानी कि जो जनगणमन यानी कि जो 27 दिसंबर 1911 में डेट पूछ लिया जाता है, डेट को याद रख लेना। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। तो आपको बता दूँ 27 दिसंबर 1911 में जो जनगणमन अधिनायक जो जनगणमन गाया गया था तो ये कोलकाता में गाया था, कोलकाता में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896, 1905, 1930 या 1947। तो किस वर्ष जो यानी कि जो किस वर्ष जो यानी कि जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था तो ये आपको बता दूँ 1896 में गाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे की औजार, कपास या जौ। तो आपको बता दूं तो जो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है यानी कि 200 नंबर प्रश्न। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र, बल्लवी या पावापुरी या ननौदी। तो प्रथम जो जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो साथियों आज हमने यानी 200 क्वेश्चन किए हैं हिस्ट्री के। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आपको कमेंट करके जरूर बताना ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ये पॉलिटी की मैराथन होगी। साथियों आपको बता दूँ हमारी जितनी भी क्लास हैं आप दो दो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप जैसे हिस्ट्री कंप्लीट कर ली इसके बाद पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स हमारा जो करंट का भी 200 क्वेश्चन
क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो हमारे एग्जाम तक यानी कि टोटल मैराथन चलेंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हाई मोटिवेटेड, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, तो उसे जरूर जुड़ जाना। और ऐसी क्लासें आती रहेंगी। अगर आपको जैसे आप कमेंट करके जरूर बताना 200 में तो आपने कितने प्रश्न सही किए और ये प्रश्न आपको कैसे लगे, उस हिसाब से जो नेक्स्ट क्लासें आएंगी उस हिसाब से क्वेश्चन को रख सकें। तो साथियों आज की क्लास हम यही रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।